अस्सलाम वालेकुम, ये दिस इज जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास केमिस्ट्री जो क्लास फर्स्ट ईयर है उसके बारे में कि 2024 में आप लोगों का पेपर कैसा आएगा, उसका पैटर्न कैसे चेंज हुआ है और उसमें कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपने मद्देनज़र रखने हैं। तो इस बार मैं कोशिश करूँगा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को सही से कवर करूँ। अभी मैं देख रहा था कि लास्ट ईयर 2023 में तो कोई वीडियोज़ ही ख़ास तौर में मैंने अपलोड नहीं की, तो इस बार मैं कोशिश करूंगा कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कवर करूंगा। तो पता नहीं क्या वजह होती है, शायद ये बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते थे या क्या चक्कर होता था, मुझे कुछ पता नहीं है। यही मेन इनकी यही वजह थी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों की कि ये कुछ इनका इस टाइप का सीन होता है। तो चलो छोड़ो, जो भी था अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अच्छा, केमिस्ट्री में ये मॉडल पेपर शायद आपको अभी कहीं से भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये आउट फेडरल बोर्ड ने इसको हटा दिया है। तो उनकी वेबसाइट पे पता नहीं अपलोड हुआ था नहीं हुआ था, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो बाय द वे मैं आपके सामने ले आया हूँ, यही 2024 के लिहाज से अलाइंड पेपर है। इससे पुराने पेपर जितने भी थे वो एक्सपायर हो चुके हैं। तो आप लोग को एमसीक्यूज़ में तो कोई चेंजिंग नहीं हुई, लेकिन आगे चेंजिंग हुई है जो कि आप लोग का शॉर्ट क्वेश्चन है। बिल्कुल सेम पैटर्न से पेपर आप लोग का आएगा। जो एमसीक्यूज़ आपने करने हैं वो प्लाज्मा वाले टॉपिक से आप लोगों ने कर लेने हैं। इस तरह आप लोगों को इक्वेशन दी जाएगी और यहाँ पे आप लोगों से इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पूछा जाएगा, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। साथ में ये आप लोग को देखो सेल पोटेंशियल ईएमएफ और द सेल ऑफ, ये आप लोगों से ये क्वेश्चन सारी दी हुई हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दिया हुआ है उन लोगों ने आपको और ईएमएफ पूछा हुआ है, तो या इसको रिवर्स करके पूछ सकते हैं। दूसरा एमसीक्यूज़ यहाँ से आएगा। उसके बाद जो तीसरा एमसीक्यूज़ है वो आप लोगों को टेम्परेचर से आएगा कि आप लोगों का कॉन्स्टेंट प्रेशर दे दिया है तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा। इसी तरह आप लोगों को इक्वेशन दे दी जाएगी और आप लोग को जो यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेट ऑफ कॉन्स्टेंट है ये बताना होगा। इसके बाद आप लोग को जो अगला एमसीक्यूज़ आ सकता है वो आप लोगों से कैटलिस्ट वगैरह, एंजाइम्स और इनहिबिटर वगैरह से आ सकता है। इसके बाद जो अगला 6 नंबर एमसीक्यूज़ है वो आप लोग को डायमंड वगैरह या कंडक्टर से आ सकता है। और अगला जो एमसीक्यूज़ है वो आप लोग को इसी तरह मोल वाले जितने भी न्यूमेरिकल वगैरह हैं या पीएच रिलेटेड, तो ये आप लोग को मोल की वैल्यू दी हुई है इसने और आप लोगों से पीएच पूछा जा सकता है। इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पूछी जा सकती है, आप लोगों को डाटा गिवन होगा और यहाँ पे भी इसी तरह आप लोगों को डाटा गिवन होगा और यहाँ से आप लोगों से फार्मूला पूछा जा सकता है। इसी तरह आप लोगों को 10 नंबर एमसीक्यूज़ में उसने जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं वो आपसे पूछ सकता है। और इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट या जो हमारे पास कॉम्पटन इफेक्ट है, इनसे आप लोगों को एमसीक्यूज़ बन के आ सकता है। इसके बाद आप लोग का पास जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हैं इसके रिलेटेड कोई एमसीक्यूज़ पूछ सकता है वो आप लोगों से। और हमारे पास जो अगला एमसीक्यूज़ है वो आप लोगों से सिलिकॉन आयोडीन वगैरह से पूछ सकता है। इसी तरह आप लोगों को पीएच दिया होगा और आप लोगों को सोल्यूशन दी होगी, उसकी मोलैरिटी दी होगी और आपसे पीएच पूछ लिया जाएगा या पीएच दिया होगा तो मोलैरिटी पूछ ली जाएगी। इसी तरह आप लोगों को 15 कहता है कि आप लोगों से ऑक्सीडेशन रेट पूछा जाएगा कि किसका हाईएस्ट है, और आप लोगों को इक्वेशन दी जाएगी और यहाँ से लेटेंट हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वगैरह आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसी तरह आप लोगों को अगेन डाटा दिया होगा और आप लोगों से जो है सैंपल गैस के नंबर ऑफ़ एटम्स वगैरह पूछे जा सकते हैं और इसी तरह नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स वगैरह, तो ये आप लोगों ने बता देने हैं। उसके बाद जो सेक्शन बी है वो कुछ इस तरह चेंज हो चुका है कि आप लोगों को पार्ट करने हैं सारे के सारे अटेम्प्ट। अच्छा जी, पहला जो इसमें ये है कि आप लोगों को एंगल यहाँ पे मेंशन करने होंगे इधर से बॉन्ड एंगल्स, और इनकी रीज़न भी देनी होगी। इसी तरह हमारे पास जो बोहर एटॉमिक थ्योरी है आप लोगों ने उसकी जस्टिफिकेशन देनी है। जो लेमन, बामर और पास्किन सीरीज़ है इनको मद्देनज़र रखते हुए, और इसके बाद आपने फाइंड करना है इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है। इसी तरह मोलैरिटी आप लोगों से कैलकुलेशन आ सकती है, आप लोगों को लाजमी इन लोगों को आपने करना है। देखो पहले क्वेश्चन में आप लोगों को चॉइस है, दूसरे में कोई चॉइस नहीं होगी, तीसरे क्वेश्चन में आप लोगों को चॉइस है, चौथे में कोई चॉइस नहीं होगी, पाँचवें में चॉइस है,
छठे में कोई चॉइस नहीं है, सातवें में चॉइस है और आठवें में कोई चॉइस नहीं है, और इसी तरह चलता आएगा। तो आप लोगों ने ये जो दूसरा ही करना ही करना है, पहले में से इन दोनों में से कोई एक करना है, दूसरे में कोई चॉइस नहीं है, दूसरा करना ही करना है, छोड़ नहीं सकते, चॉइस नहीं है। अच्छा, अगर आगे आ जाएं तो मॉलिक्यूलर मैस आपने निकालना है, इसी तरह आप लोगों को बाकी एथेनॉल के रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि हम उसको कैसे इजीली प्रोपोर्शंस में मिक्स कर सकते हैं। इसके बाद जो जस्टिफाई दैट द डिस्टेंस गैप बिटवीन डिफरेंट ऑर्बिट्स, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद आप लोगों से ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद जो हाइब्रिडाइजेशन है एसिटिलाइन में, ये पूछी जा सकती है, और डिराइव जनरल फार्मूला फॉर गैस कांस्टेंट, ये पूछा जा सकता है। इसके बाद आपसे हाफ सेल रिएक्शन और इसके जो ओवरऑल रिएक्शन है, ये पूछा जा सकता है, और ये वेस्पर थ्योरी आपसे पूछी जा सकती है। अगर आगे आएँ तो ये आपसे बेंजीन टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस पेपर को आप लोगों ने सॉल्व लाजमी करना है। रिवर्स ऑस्मोसिस पूछी जा सकती है, मैक्सवेल की ये जो कर्व है ये लाजमी आप लोगों से पूछी जा सकती है, डेल्टन लॉ पूछा जा सकता है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसी तरह आयोनिक क्रिस्टल, और ये लैटिस वाला, ये आप लोगों से लैटिस एनर्जी आप लोगों से पूछी जा सकती है कि वो क्यों ग्रेटर है KCl से। इसी तरह केमिकल इक्वेशन दी जाएंगी, तो आप लोगों से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन पूछे जा सकते हैं। सेक्शन सी की बात करें तो अगेन हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों क्वेश्चन हैं, इनको आपने लाजमी करना है। अमोनिया वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद ये सारा आप लोगों ने जितने भी दिए हुए हैं, ये जो हमारे पास ये क्लोरीन वाले हैं, मोनोऑक्साइड वाले, आप लोगों को डाटा दिया होगा, और आप लोगों ने रेट ऑफ लॉ ऑफ रिएक्शन और ये सारी चीज़ें इसमें से निकालनी है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन अभी तक ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। अगेन आप लोगों को इक्वेशन दी जाएगी और आप लोगों ने केसी निकालनी है उसकी, और बाकी एक्सप्रेशन वगैरह डिराइव करनी है। इसके बाद इक्वेशन दी जाएगी, इसको बैलेंस करना है, बोन एबर साइकिल है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट आप लोगों के पास लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग में भी आपने सारे अटेम्प्ट करने हैं, पहले में भी आप लोगों को चॉइस है, दूसरे में भी आप लोगों को चॉइस है, और तीसरे में भी आप लोगों को चॉइस है, मतलब छः लॉन्ग है, आपने तीन करने हैं, कोई से तीन नहीं करने, इन्हीं दोनों में से करने हैं। तो ओवरऑल आप लोगों को क्वेश्चन भी पता चल गए हैं, और अभी मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ। अच्छा, आप लोगों को ये टेबल दिया होगा नीचे, जिसमें एटॉमिक नंबर, सिंबल और सारा कुछ लिखा हुआ होगा, तो इसके बारे में आपने घबराना नहीं है, ये भी आप लोगों को लिखा हुआ मिलता है। अच्छा, यहाँ पे आगे कोई इसने वो टॉपिक्स वगैरह नहीं बताए जो कि ये बताता है, तो यहाँ पे आप लोगों ने इन क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना है, ये जिन टॉपिक्स से आए हैं, ख़ास तौर पे ये जो सेक्शन बी है इसको भी आप लोगों ने मद्देनज़र रखना है। तो आगे हम इसके गैस वगैरह को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करो, सारे पेपर को सॉल्व करो। मैं आप लोग को MCQs दिखाता हूँ, इनके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे पास टाइम हुआ तो मैं इसका सलूशन कर दूंगा, लेकिन अभी तक आप लोगों ने डेफिनेटली आप लोगों की तैयारी हो जाएगी, आप लोगों ने करना है। जो MCQs अगर किसी ने इसका सलूशन कर लिया तो नीचे कमेंट्स में इसका आंसर कर सकता है, अगर किसी ने सब्जेक्टिव का सलूशन किया है नीट क्लीन, तो मुझे PDF बना के इंस्टा पे भेज सकता है, ये यहाँ पे इंस्टा का ये लिंक है, तो यहाँ पे आप लोग मुझे भेज सकते हो, तो मैं इसको वीडियो बना दूंगा, बजाय मेरा टाइम लगे तो वहाँ पे आप लोग अगर वैसे ही करोगे तो मुझे भी भेज देना। तो ये भी आप देख सकते हो, इन क्वेश्चंस को देख लो, ये सारा प्रॉपरली इसको एक बार सॉल्व कर लो, तो आप लोग का 2024 का जो पेपर है उसमें फ़ायदा हो जाएगा। बाकी भी हम चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आप लोग प्री बोर्ड भी अभी तक नहीं हुए तो उनमें भी तैयारी करनी है। ये पेपर एग्जैक्टली कॉपी टू पेस्ट आप लोग को यही पेपर दे सकते हैं आपके स्कूल वाले। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।